नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्राणय स्टेक टू डीप के आज के फिर से एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। लेके आए आज भी आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। आपको फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम करेंगे ओप्पो A52 की अनबॉक्सिंग। तो ये है ओप्पो A52 का बॉक्स। ये हमने 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरिएंट मंगवाया है, और जो कलर हमने लिया है वो है स्ट्रीम वाइट, जो बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड है। इसके बॉक्स की अगर हम ओवरव्यू की बात कर लें तो साइड में आप देख सकते हैं ओप्पो की ब्रांडिंग है, पार्टनरशिप है इन लोगों की ICC के साथ, चैम्पियन वर्ल्ड क्रिकेट। और बैक में हम बात कर लें तो 1080p यानी फुल HD रेजोल्यूशन वाला नियो डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलता है। AI क्वाड कैमरा है, इसमें 4 कैमरा है जिसमें से प्राइमरी कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल का है। 5000mAh की बैटरी है जो कि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और इसका जो मॉडल नंबर है वो है CPH2061। ये हमने स्ट्रीम वाइट कलर में मंगवाया है। 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ ये आता है, और उसकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो UFS 2.1 है। ये अच्छी बात है, यानी कि फास्ट स्टोरेज है। और देख सकते हैं आप यहाँ मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग आप क्लियरली देख सकते हैं, डिजाइंड बाय ओप्पो, मेड इन इंडिया। चलो ये बात अच्छी है, कम से कम ये फ़ोन जो है मेड इन इंडिया में मिलता है। तो कर लेते हैं इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग। और एक बात और आपको बताना भूल गया मैं, इसकी जो MRP आप देख सकते हैं क्लियरली, इसकी जो MRP वो है 19,990 रुपये, लेकिन ये आपको मार्केट में सिर्फ 16,990 रुपये में मिलता है। 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरिएंट, इसमें एक 4GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरिएंट भी आता है, लेकिन उसकी प्राइस मार्केट में 14,990 रुपये है। तो फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये हमारा कटर है, कटर आज हमारा चेंज हो गया है। वैसे खोल लेते हैं इसको जल्दी से। ओप्पो के जो बॉक्स होते हैं ये काफ़ी, इनका जो कवर होता है वो काफ़ी टाइट होता है, लेकिन इसका काफ़ी ढीला है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये है फ़ोन, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये स्ट्रीम वाइट कलर में मंगाया है। काफ़ी प्रीमियम लुक ये दे रहा है फ़ोन हमें। मेरे ख्याल से इस मॉडल का, ओप्पो A52 का, अगर सबसे बेहतरीन सबसे बढ़िया कोई कलर है तो वो यही कलर है स्ट्रीम वाइट। जो एक और कलर आता है इसमें वो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर इतना अच्छा नहीं लगता है, सिंपल सोबर कलर लगता है। थोड़ा डिफरेंट अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे ये स्ट्रीम वाइट कलर जो है ये नीचे से थोड़ा लाइट ग्रीन शेड से होता है, ऊपर वाइट शेड की तरफ जाता है। क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, सैमसंग वाला पैटर्न इन्होंने दिया है। इसका जो पैटर्न है कैमरे का सैमसंग का है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं थोड़ा सा बम्पी, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इसमें देखने को मिलता है, मतलब जो इसका जो पावर ऑन ऑफ बटन है इसी में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसी बटन के अंदर आपको देखने को मिलता है। ऊपर आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, साइड में वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं आपको इसके अंदर, और सिम कार्ड ट्रे है। इसका जो सिम कार्ड ट्रे है वो हाइब्रिड स्लॉट ना होकर के वो एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट है, मतलब इसमें आप दो सिम के साथ एक साथ मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। पर वैसे चूंकि 128GB इंटरनल मेमोरी है तो हमें नहीं लगता इसमें हमें मेमोरी कार्ड की आवश्यकता लगेगी, पर फिर भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और बॉटम में हमारे इसकी बात कर लें तो ये आपको मिलता है 3.5mm ऑडियो जैक आपको इसमें देखने को मिलता है, ये बात अच्छी है। उसके पास में आपको माइक देखने को मिलता है, ये माइक है। ये बात इस फ़ोन की अच्छी है कि आपको इसमें टाइप सी वाला चार्जिंग पोर्ट इसमें आपको देखने को मिलता है, जैसा कि मैं जूम कर लेता हूँ क्लियरली देख पा रहे होंगे, टाइप सी वाला पोर्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। और रिंगर है, फ़ोन का लाउड स्पीकर है। फटाफट से कर लेते हैं इसको स्विच ऑन। और हाँ, पंच होल वाला कैमरा आपको इसमें देखने को मिलता है। इसका जो पंच होल है थोड़ा बड़ा है वैसे साइज़ में, थोड़ा छोटा होता तो अच्छा होता। और फ़ोन का जो रेजोल्यूशन है वो 6.5 इंच का डिस्प्ले है, और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले इसका है, स्विच ऑन होता है सॉरी। तो हम बॉक्स के बाकी कंटेंट्स को देख लेते हैं। चलिए ये बात अच्छी है, इसमें आपको एक प्रोटेक्शन कवर देखने को मिलता है, सिलिकन कवर है। सिम इजेक्टर टूल आपको इसमें देखने को मिलता है, और मैनुअल्स हैं कुछ। इसका जो
कवर है, सिलिकॉन कवर जो है, ये बात अच्छी होती है ओप्पो के फ़ोन्स की, काफ़ी थिक होता है, काफ़ी मोटा होता है, जिस कारण से फ़ोन कभी भी आपका गलती से ड्रॉप हो जाता है या गिर जाता है तो आप के फ़ोन को ये ईजिली ब्रेक नहीं होने देता, डैमेज नहीं होने देता। कलर ओ एस 7 के साथ ये आता है, कलर ओ एस 7.1 का अपडेट आपको इसमें देखने को मिलता है और एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स ये फ़ोन आता है। चलिए बॉक्स के बाकी कंटेंट्स को देख लेते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। टाइप सी केबल है इसके अंदर, ये बात अच्छी है इस फ़ोन के अंदर कि इसमें आपको ईयरफोन्स भी देखने को मिलते हैं। वैसे एम आई की ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एम आई के किसी भी फ़ोन में आपको, चाहे आप उनका कोई भी फ्लैगशिप फ़ोन भी लेंगे, आपको उसके अंदर ईयरफोन्स देखने को नहीं मिलते हैं। और चार्जर जो फ़ोन के अंदर हमें इनबॉक्स मिला है, हाँ चलो ये बात अच्छी है, जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, 9 वोल्ट 2 एम्पियर यानी 9 × 2 = 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिलता है, ये बात इसकी अच्छी है। चलिए फ़ोन हमारा स्विच ऑन हो गया है, फ़ोन को अब हम देख लेते हैं। फ़ोन का जो डिस्प्ले है, जैसे जब लॉक स्क्रीन में आपको वॉलपेपर दिखाता हूँ मैं, फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है क्योंकि फुल HD रिजोल्यूशन है। हालांकि डिस्प्ले जो है इसका वो LCD डिस्प्ले है, IPS LCD डिस्प्ले, इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। इसका कैमरा का छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं अपन। हालांकि रियर कैमरा इसमें आपको जो मैक्सिमम है वो 12 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलता है। फोटो हमने खींच लिया है इसका ओप्पो A52 के बॉक्स का ही। ट्वेल्व मेगापिक्सल सेंसर होने के बावजूद भी जो फोटो है वो काफ़ी क्लियर निकल करके सामने आया है, काफ़ी क्रिस्प है और काफ़ी क्लियर है। और एक रिटर्न टेक्स्ट का हम एक फ़ोटो लेकर के देख लेते हैं कि रिटर्न टेक्स्ट का फ़ोटो ये कैसा लेता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिटर्न टेक्स्ट का जो फ़ोटो निकल करके सामने आया है वो भी काफ़ी क्लियर है, काफ़ी क्रिस्प है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो, और हाँ घंटी वाला आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।